उज्जैन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से महाकालेश्वर मंदिर परिसर में भी जल मग्न हो गया था पूरा परिसर। यहाँ पर उस समय पंडित रमन त्रिवेदी जी मौजूद थे। त्रिवेदी जी, किस तरीके से जल मग्न हुआ था और श्रद्धालुओं को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? देखो, श्रद्धालु तो कम नहीं हुए, लेकिन जल जल जरूर आ गया था यहाँ पे। वो जल देवता ने प्रणाम करा भगवान को, भगवान से प्रार्थना की गई, इसीलिए बरसात रुक गई, वो सब कार्य सिद्ध हो गए। वो जल मग्न जो परिवार, जल में जो लोग यहाँ आए हुए थे, उनको बड़ी राहत मिली है इससे, और भगवान ने थोड़ी देर में जल सब साफ कर दिया। मतलब महाकाल के दरबार में जो जल यहाँ पे जलमग्न हो गया था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसे रोकने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। उसके लिए यहाँ भगवान का अभिषेक भी किया गया, क्योंकि जब हमेशा यहाँ पे जब जल नहीं आता तब भी जल का अभिषेक होता है, और जल आता है तब भी अभिषेक होता है बंद कराने का। दोनों काम होते हैं। सहस्त्र धारा का जो अभिषेक होता है वो इसलिए होता है कि खूब जल आए, वो जब सहस्त्र आज जब जल सब जल आ गया तो बंद करने का भी अधिकार भगवान शंकर को ही है। तो पंडित जी, श्रद्धालुओं को जरूर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब श्रद्धालु तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, श्रद्धालु को दिक्कत का कहा है? भगवान महाकालेश्वर के दरबार जल की वजह से, और जल की वजह से थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूरा परिसर जलमग्न होने के बाद यहाँ के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के साथ इस जल को बाहर किया, और यहाँ तक कि पंडित पुरोहित जो यहाँ के हैं उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, पूजा अर्चना की, अभिषेक किया, उसके बाद मूसलाधार बारिश का यहाँ पर फिलहाल दौर थम गया है। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में जो बारिश का पानी है वो इसी रेलिंग से अंदर गया था, जो महाकालेश्वर मंदिर के आसपास जो रेलिंग लगाई गई है, मूसलाधार बारिश की वजह से इसी रेलिंग से यहाँ पर पानी अंदर की तरफ प्रवेश कर गया था। जब मंदिर में प्रवेश करा था पानी ने, उस समय कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे, किस तरीके से हालात थे यहाँ पर? हर हर महादेव। यहाँ पे पूरा पानी भरा था, हम कल शाम को जब दर्शन को आए तब दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए फिर सुबह आके दर्शन किया। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। तो क्या, किस तरीके से यहाँ पर जलमग्न था, लोगों के घुटने तक पानी आ गया था यहाँ? पहली बात तो सबको महाकाल की तरफ से दर्शन, पूरा पानी भरा हुआ था कल बहुत, यहाँ पे दर्शन कर नहीं पाए कोई लोग, और जो आज आए वो दर्शन हो गया, क्योंकि आज धूप गिरी थी। कल पूरा पानी भर चुका था पूरा, कल दर्शन नहीं हो पाया। महाकालेश्वर मंदिर में कई श्रद्धालु ऐसे थे जो यहाँ पर मूसलाधार बारिश के दौरान आए थे, उन्हें यहाँ पर भगवान के दर्शन नहीं हो पाए और उन्हें बेरंग लौटना पड़ा, और आज इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए लगातार आ रहे हैं। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।